हेलो बच्चों, विजडम एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के मैथ डॉक्टर के सी सिन्हा बुक में पार्ट 9 वीडियो में डॉक्टर की एक्सरसाइज 8.1 में आपको 43 तक क्वेश्चन करा दिया गया था। आज आपका 45वां क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। यहाँ से कह रहा है गिवेन, चूँकि दिया गया है कि कॉस थीटा बराबर क्यू बट्टा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया है आपके कॉस थीटा बराबर क्यू बट्टा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको हम पहले सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेंगे, यहाँ लिखेंगे पी, सॉरी यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, और यहाँ पे आपका थीटा है। अब यहाँ पे आपका 90 डिग्री कोण है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, सॉरी आधार बटा कर्ण। आधार यहाँ पे है और यहाँ पे आपके कर्ण है, ठीक है। अब हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे लंब, तो लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का मान यहाँ पर है अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस आधार का मान यहाँ पे है क्यू स्क्वायर। एक लाइन और लेते हैं, यहाँ पे रूट और स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, ये हो गया क्यू स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा पी, और ये हो जाएगा आपका पी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि LHS इक्वल टू RHS, LHS से आपको RHS दिखाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं LHS लेते हैं, LHS क्या है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा पी प्लस क्यू बट्टा पी, इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा पी, यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो है ये कर्ण है और ये आपका लंब है, तो कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब किसका होता है, तो कौशिक का फॉर्मूला होता है, कौशिक थीटा का फॉर्मूला होता है प्लस क्यू बटा पी, क्यू बटा पी अर्थात आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा, इस सब का क्या है, होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा के लिए हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कॉट के लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे साइन थीटा, इसका लेंगे 1 + कॉस थीटा, इसका लिखेंगे होल, क्योंकि आपको बताया गया है कि किसी भी भिन्न का हर जब समान होता है तो अंश का मान ज्यों के त्यों उतर जाता है। हमने वही काम किया है, स्क्वायर इसके ऊपर, स्क्वायर इसके ऊपर, 1 + कॉस थीटा इसका स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये दो बार लिखा है, आप लिख दीजिए दो बार इसको, 1 + कॉस थीटा और 1 + कॉस थीटा बट्टा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर आप कर सकते हैं, तो एक का स्क्वायर एक होता है, ये आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा बट्टा 1 - कॉस थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा, इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच क्या जाएगा, 1 + कॉस थीटा बट्टा 1 - कॉस थीटा, ठीक है। चूँकि यहाँ पे कॉस थीटा का मान दिया है क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, हम जहाँ जहाँ कॉस थीटा वहाँ पे मान रखेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा जगह पे क्यू बट्टा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा, वही मान यहाँ रखेंगे क्यू बट्टा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे 1 और इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा हमारा यहाँ पे 1 और अंडर रूट का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, या इसे एक मर्द कटेगा ऊपर जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक मर्द कट जाएगा, बचेगा क्या क्यू, इसके नीचे वही काम होगा, लघुतम लेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा, इसे एक मर्द कटेगा ऊपर जाके इसे गुणा होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ये प्लस है और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है क्यों, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा क्या,
प्लस क्यू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, ये हो जाएगा आर एच एस पी आर ओ वी ई डी। चलिए देखते हैं अब हम 45 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें एक फिगर है जो आप लोग सामने नहीं बनाया गया है, यहाँ देख लेंगे। चलिए ये फिगर है, हाँ अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। कह रहा है कि गिवेन, देखना साइन बी बराबर 4/5, साइन बी बराबर 4/5, कहने का मतलब होता है कि साइन बी बराबर 4/5 का मतलब हुआ यहाँ पे लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है यहाँ पे, लंब ये होगा कर्ण ये होगा, तो लंब का मान मतलब होता है AC बटा AB, समझ में आया। तो AC का मान जो है हम यहाँ लिखेंगे माना कि AC बराबर कितना होगा, 4 हम यहाँ पे मान लेते हैं, 4x मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे AB बराबर हम मान लेते हैं 5x, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया मान लिया। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं ये 4x होगा और ये 5 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक बा, पाइथागोरस प्रमेय समझेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे जब समझेंगे तो उनका फॉर्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का मान यहाँ पे है AB, लंब का मान है AC, आधार का मान है BC स्क्वायर। AB का मान यहाँ पे हमने, सॉरी AB का मान क्या है 5x, इसका हम स्क्वायर करेंगे। AC का मान यहाँ पे 4x, इसका स्क्वायर करेंगे। BC का मान यहाँ पे है 15 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4×4=16x स्क्वायर हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा 16x स्क्वायर बराबर 225, ठीक है। सॉल्व करेंगे यहाँ से, घटेगा तो यहाँ पर हमको लगता है 9x स्क्वायर बराबर 225 होगा, x² 9 से कटा दीजिए, 25 मर्द कट जाएगा, 25 x बराबर अंडर रूट 25, इसका वर्गमूल होता है कितना 5, ठीक है। हम यहाँ पर मान निकाल लेंगे AC का, AC का मान 4x, 4×5, 5×20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर निकालेंगे AB का मान कितना होगा यहाँ पे 5x, 5×5, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AC क्या बतला रहा है, AC बतला रहा है आपका लंब को बतला रहा है, तो लंब का मान कितना होगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए हो गया अब यहाँ से सॉल्व, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रश्न से, प्रश्न अब क्या कह रहा है ध्यान देंगे हम लोग, कह रहा है कि टैन स्क्वायर बी माइनस 1/cot² b बराबर -1, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ लेंगे LHS क्या होगा, टैन स्क्वायर बी माइनस 1/cot² b। तो टैन स्क्वायर बी माइनस 1/cot का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर बी वन बाई कॉट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपका कॉट एस, यहाँ भी है एस, यहाँ भी है एस, सॉरी
चलिए अब यहाँ से देखते हैं टेन स्क्वायर बी माइनस वन बाई कॉट का फॉर्मूला, वन बाई कॉस का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर बी, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो 20 बटा 15 इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस सेक का फॉर्मूला होता है आधार कोण बटा आधार, तो 25 बटा 15 इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए यहाँ से 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, 225 यहाँ से घटाएंगे हम यहाँ से तो 225 ऊपर होगा 400 माइनस 625, 400 माइनस 625 ठीक है। अब इसके आगे यहाँ पे देखेंगे 625 में से 400 निकल जाएगा तो कितना माइनस 225 बटा यहाँ पे होगा 225, यही से कितना मर्फ कट जाएगा माइनस वन मर्फ कट जाएगा और ये हमारा हो गया सिद्ध RHS PROVED। चलिए अब देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बोर्ड पर देखेंगे आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से कह रहा है दिए गए चित्रों में से 3 tan थीटा 2 sin अल्फा 4 cos अल्फा का मान ज्ञात करना है। ये फिगर में आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा, अल्फा यहाँ है थीटा यहाँ है, तो अल्फा का मान पहले निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये आर, यहाँ पे एस क्यू 6 है और आर क्यू 8 है, ये लंब है और यहाँ पे आधार है, तो आपको निकालना हो कौन लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक बा, पाइथागोरस प्रमेय से कहने का मतलब होता है कि पाइथागोरस प्रमेय उन्होंने कहा था कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ठीक उन्हीं पर अनुसार कहता है कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कोण यहाँ पे हमारा क्या आर एस स्क्वायर, लंब हमारा होगा आर क्यू के स्क्वायर प्लस आधार होगा एस क्यू के स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर एस जो होगा आर एस स्क्वायर वो आर क्यू का मान कितना है 8 का स्क्वायर, इसका मान है 6 का स्क्वायर, आर एस स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 इसका होगा 36, आर स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे ये हो जाएगा पूरे 100, आर एस बराबर अंडर रूट कितना होगा 100 का वर्गमूल होता है 10, हम यहाँ पे मान ले आ दिए कितना 10, ठीक है। अब हमको मान निकालना है क्या, ये हो गया आपका त्रिभुज कौन था आर एस क्यू यहाँ पे त्रिभुज ले लेते हैं आर एस क्यू से, अब लेते हैं त्रिभुज आर पी क्यू से, ठीक है। तो ये हमारा कर्ण, ये हमारा आधार, ये हमारा लंब, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भुजा को हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं बाबू, यहाँ से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ही सिद्ध करेंगे, यहाँ पे भी मतलब पाइथागोरस प्रमेय चलेगा, आर पी स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर आर के यहाँ पे आप लेते हैं 17। चलिए यहाँ से देखते हैं हम आर पी कितना है 17 का स्क्वायर, ये होगा पी क्यू अब प्लस क्यू आर कितना है 8 का स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर जेंकते हो प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, घटेगा तो कितना होगा यहाँ से हो जाएगा कितना 522 बराबर ये कितना हो पी क्यू स्क्वायर, इसलिए पी क्यू बराबर अंडर रूट 285 का वर्गमूल कितना होता है 15, यहाँ से यहाँ तक का मान हो गया 15, तो ये यहाँ से यहाँ 6 होगा, ये 6 होगा तो ये कितना होगा जी 9 होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमारा सारा मान निकल चुका है, अब हम प्रश्न से करते हैं, यहाँ से प्रश्न से क्या निकालना मान हमारा 3 tan थीटा माइनस 2 sin
अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा का मान निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 गुणे टेन थीटा का मान, तो थीटा यहाँ पे टेन थीटा लंब बटा आधार, तो 8/15 माइनस 2 गुणे साइन अल्फा, साइन अल्फा यहाँ पे है तो लंब बटा कर्ण 8/10 प्लस 4 गुणे कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण 6/10। ठीक है, चलिए यहाँ सब हम कुछ करते हैं। 3 × 5 = 15, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो यहाँ पे कितना होगा 8/5 माइनस 8/5 प्लस ये होगा 6 × 2 = 12/5, इसे कट जाएगा, बढ़ेगा कितना 12/5 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन तुरंत। चलिए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। कह रहा है कि 47 नंबर क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र में ए बी सी समकोण त्रिभुज है। देख लीजिएगा कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कोण बी जो है वो समकोण है, यहाँ पे जो है बी, यहाँ पे पूरा का पूरा 90 डिग्री कोण है। और कह रहा है कि तथा बी डी परपेंडिकुलर है ए सी, बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, तो ये बी डी जो है परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो हमको कॉस थीटा और कॉ थीटा का मान क्या करना है, निकाल लेना है। तो चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्व करके कैसे यह हो पाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे यहाँ से, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पाइथागोरस पर मिल लेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस, पाई पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस पर मिल लेंगे। पाइथागोरस पर मैं क्या कहलाता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर। तो ए सी का मान यहाँ पे नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए, बी का मान मालूम है कितना है, ए बी सी का मान 5 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 हो जाएगा और ए सी बराबर अंडर रूट चढ़ा दीजिए तो यहाँ पे कितना होगा, जोड़ेंगे 169 हो जाएगा और ए सी बराबर कितना होगा इसका 13, ये इसका मान कितना होगा 13, ठीक है। चले जब ये यहाँ तक मान आ गया, अब हम आगे देखते हैं, हमको चाहिए पहले उसके बाद से त्रिभुज पर देखते हैं, यहाँ पर त्रिभुज देखेंगे, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बी गुणे एच आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, तो बी गुणे एच आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा तो 1/2 ए सी, पहले देखेंगे यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देखिए पहले ए सी, ये आपका क्या हुआ आधार हो गया, ठीक है, और उसके बाद से ए बी डी आपकी ऊंचाई हो गई, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 ए सी, ए सी गुणे बी डी बराबर 1/2 बी, बी जो आपका है वह बी क्या है, ए बी है आपका, ये बी कहते हैं हम लोग बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है, तो पाइथागोरस पर मैं से यहाँ पे हो जाएगा, हमको मान निकालना है ए डी, ए डी बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस उसके बाद सॉरी माइनस बी डी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 60/13 का स्क्वायर, इसका होगा 144 माइनस इसका होगा 3600, ये होगा 169, ठीक है, नीचे 1 लेंगे इसका 169, इससे इसे भाग करेंगे कटेगा कितना मर्द में जाएगा, इसे इसे इसमें इसे भाग करेंगे इससे गुणा करेंगे वह गुणा हो जाएगा 24336, इससे भाग करेंगे ऊपर जाएगा 3600, इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 20736/169, इसका होता 144, इसका वर्गमूल होता है 13, यहाँ पर हम लिखेंगे 144 113, ठीक है। चलिए इतना काम हो गया, अब हमको मान निकालना प्रश्न से कॉस थीटा, कॉस थीटा फॉर्मूला होता है
आधार बटा कर्ण होता है। थीटा यहाँ पे है तो ये हमारा कर्ण है, ठीक है, और ये हमारा या थीटा यहाँ पे है तो लंब, तो ये हमारा कर्ण हो तो नीचे आधार होगा और ये हमारा लंब होगा, ठीक है। तो इसको हम लेंगे कितना, हम आधार बट्टा कर्ण, आधार का मान हमारा हो जाएगा कितना इसका 60/13, आ हमारा लंब का मान हो जाएगा 5 से कटाएंगे कितना होगा 12/13, ठीक है। एक नंबर का हो गया। दो नंबर हमारा कह रहा है कॉट अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बट्टा लंब, ठीक है। तो आधार हमारा यहाँ पर अल्फा है तो आधार हमारा कितना होगा, आधार हमारा 144/13, लंब का मान कितना होगा 60/13, इसे कट जाएगा 12 × 5 = 60, 12 × 144 12/13, और ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन अगला पार्ट देखेंगे, पार्ट 10 में देखेंगे। आज के लिए बस इतना, और इस वीडियो को आप लोग बहुत से जगहों पे जहाँ पे बच्चों को ना मिल रही हो पढ़ाई वहाँ पे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो आप सभी लोगों के पास पहुँचे नोटिफिकेशन के साथ। थैंक्स।